नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है रोहित चतुर्वेदी। मैं इस फिल्म का एक से, और जब मैं कहानी शिवू जी से सुना था, ये एक बोलेंगे गांव की एक प्योर शुद्ध कहानी है। गांव में भी अशुद्ध कहानी होती है, लेकिन ये एक शुद्ध कहानी है। दो लड़कियों का प्रेम, एक लड़का लेता और उसमें दोनों को प्रेम किस तरीके से वो करेगा, वो आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, इस फिल्म की जो संगीत है बहुत ही लाजवाब है, बहुत मधुर है, सुन के गुनगुनाने का मन करता है। बस मैं तो तैयार हूँ, कब मैं गुनगुनाऊंगा इसका। तो रोहित जी, क्या हम ये मान लें कि कृष्ण की भूमिका में आप रहेंगे? दो लड़कियों से काम नहीं चलेगा, 16,000 रानियाँ देंगे। एक बार मैंने सपना देखा था कि मैं किशन राय का रोल प्ले कर रहा हूँ और लड़कियाँ नाच रही हैं, तो शायद मुझे अच्छा सच हो गया। मैं व्याकुल वो चीज़ पे, उस जगह पे खड़े हूँ। रोहित साहब की पहली फिल्म काफ़ी पहले आ चुकी है, काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये फिल्म कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? कारण सर बहुत कुछ रहा है, कुछ नाम नहीं ढूंढ रहा है। कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स रहते हैं, और फिर जब बनाता हूँ मैं फिल्म तो ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, वो पसंद करते हैं, लेकिन है मार्केट है, वो चलती नहीं है। उसके बाद फिर एक्टर हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। मुल्तान कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ, मेरा गाँव पड़ता है बलिया, और यहाँ मुंबई का रहता हूँ। काफी अच्छा वो कॉन्सेप्ट था टीनेजर लव स्टोरी। उसके बाद से धड़ाधड़ आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से बहुत सारी अभी बोल सकती हूँ मैं, 7-8 मूवी हो गई, सारी जी के साथ भी हुई वापसी, और फिर अभी जस्ट में करके आ रही जान लेने का, दिनेश जी के साथ जिनको आप बहुत सराहते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अक्षरा सिंह जी के साथ काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग रही, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था जान लेने का। सो बहुत मज़ा आया। अभी तो बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करते जा रही हूँ। बस मैं चाहूँगी और गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कैरेक्टर में इन दोनों का, रोहित और जोया का, क्यों आपने चुना है? देखिए, चूँकि ये हमारे किरदार को फिट बैठ रहे थे, इसके लिए हमारा सिलेक्शन था ये, हमारा और हमारे जो राइटर और जो डायरेक्टर है वो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन दोनों को सेलेक्ट किया। मैं बता दूं कि अभी खेसारी जी एक ऐसे इंसान है जो एक एक्टर से अच्छा वो बहुत अच्छे इंसान है, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बहुत मतलब डर गई थी कि फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, कैसा फील होगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, बट बहुत अच्छे इंसान है। मैं बोलूँगी कि आप लोग इतना मुझे प्यार दो और आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना मतलब बोलो कि मैं दूसरी मूवी वो खुद सामने से बोले कि जरा आ इंसान के तौर पर अपनी तारीफ की, कलाकार के तौर पर जैसे मैंने कहा कि जैसे साड़ी पहन के क्या है या कोई भी वस्त्र पहने या कोई भी अलग कैरेक्टर प्ले करते, तो उसमें उसके बारे में बताइए। साड़ी में उनको, उनको साड़ी में खेसारी को बहुत पसंद किया जाता है, तो आप कितना पसंद करते हैं खेसारी को एज ए साड़ी में? 80% काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी क्यूट लगते हैं, और काफ़ी अच्छे इंसान है, काफ़ी अच्छे एक्टर है, उनके साथ मैं भी चाहती हूँ, बहुत फेवरेट मेरे एक्टर हैं, मैं चाहती हूँ उनके साथ और काम करना। सो आप लोग बहुत प्यार दें कि मैं उनके साथ जल्दी से जल्दी कर लूँगा धमाकेदार परफॉर्मेंस। दोनों में कुछ गुण और थोड़ा कमी हर किसी में होता है, क्या बताइए क्या करना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा ऐसा क्यों किया आपने, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मैं आपसे बताऊँगी कि सारी जी एक बहुत डिसेंट इंसान है, बहुत देखा जाए तो वो किसी का जल्दी जवाब नहीं देते, कोई कुछ कहते हैं तो प्यार से उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, प्यार से उसका आंसर देते हैं, और काफ़ी नेचर बहुत अच्छे अभिनेत जी हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, एक्टर तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि मैं देखते रहे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों को मैंने सीखा, अक्षरा जी से भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी,
कि इंडस्ट्री में कैसे क्या होता है, कैसे काम मिलते हैं, कैसे काम किए जाते हैं, कैसे प्लेसमेंट रखी जाती है, स्टीम का कितना रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा है इससे, काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी कॉमेडी के बारे में, डांस करने के स्टाइल के बारे में बताइए कि दोनों में दिनेश जी के कॉमेडी में, डांस करने के स्टाइल में और इनमें क्या फर्क है? हाँ, इसमें थोड़े से खेसारी जी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उनका स्टेप को जल्दी पकड़ नहीं पाता है और बहुत ओसम डांस करते हैं, जो भी स्टेप उनका होता है कमाल का होता है। इस फिल्म के जो कृष्ण कन्हैया है उनके बारे में कुछ कहेंगी? कृष्ण कन्हैया जी से अभी मिली हूँ, मैं गुजारिश करूँगी कि हमारी जल्द से जल्द बॉन्डिंग बन जाए कि हम आपसे नहीं बजाऊंगा। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हीरो के बारे में? देखिए, हमारे हीरो के बारे में तो हमारे हिसाब से हमसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं। इनका लुक देख लीजिए, ठीक है, एकदम डैशिंग दिखते हैं, मतलब एक साथ इंसान बहुत अच्छे हैं, मतलब एक साथ 10 फिल्म में करने वाले उनको लेकर। बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके, ओके जी, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।